नमस्कार साथियों, आज वापस काफ़ी दिनों बाद में हम आमने सामने हुए हैं और जैसा कि मुझे आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज क्या था आपने, एडवर्टाइजमेंट नहीं, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज एडवर्टाइजमेंट, इट्स एडवर्टाइजमेंट, क्या कहेंगे इसे हम, एडवर्टाइजमेंट। 12th क्लास में ये 4 मार्क्स का है एडवर्टाइजमेंट। क्या है एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट है क्या, अभी बात करते हैं विज्ञापन है क्या। तो इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक सूचना का प्रकार है, या फिर टेलीविजन पर है, या फिर एक पिक्चर है ऑन द वॉल जिसको दीवार पर है, या जो क्या करते हैं दैट ट्राइज टू प्रस्यूड पीपल टू वे सम टू बाय समथिंग, जो लोगों को मनाती है या लोगों को रिझाती है, लोगों को राजी करती है क्या करने के लिए कि वो कोई ना कोई चीज खरीदे, या फिर क्या है टू इंटरेस्ट देम इन अ न्यू जॉब, नई जॉब के लिए आकर्षण का केंद्र क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। तो क्या है एडवर्टाइजमेंट, आज हम यही पढ़ेंगे और एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट है क्या, तो मैं बताना चाहूँगा आपको एडवर्टाइजमेंट की इनको, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कि एक प्रकार से देखा जाए तो सूचना का प्रकार है, ठीक है। सूचना कहाँ पर अवेलेबल होगी, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे यूज किया जाता है, इट्स यूज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आता है, टेलीविजन में आता है, वॉल पे हो सकता है। क्यों किया जाता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, और ठीक है लोगों को आकर्षित करने के लिए। ये मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर को इसे यूज करेंगे तो आपकी राइटिंग में 4 चांद लगाएंगे। मैंने इस मार्कर का क्या किया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट करने से क्या हुआ, लोगों में इसके प्रति क्रेज आया और लोगों ने इसे खरीदा। जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं फेयर एंड लवली का देख लीजिए, या फिर किसी और चीज का देख सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट, तो आप देख कर क्या होंगे कि यार उस चीज की क्या की जा रही, पब्लिसिटी की जा रही है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का एड है, तो आप इसे भी देखते हैं वो क्या एडवर्टाइजमेंट ही है। और जो जिनका कलर ब्लैक है वो फेयर एंड लवली का यूज करते हैं तो क्या होते हैं, फेयर कलर में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ओनली एडवर्टाइजमेंट है ये, और केवल लोगों को क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट से आकर्षित किया जाता है। अब आपको ये जानना है कि एडवर्टाइजमेंट होते कितने प्रकार के हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मैंने कुछ टाइप भी लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसे लिखना भी है। तो एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बुक्स तैयार करना होगा, लेकिन आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी क्या है, वो किस कैटेगरी का है। तो एडवर्टाइजमेंट की अगर कैटेगरी देखें तो हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है, 7, मैंने 6 यहाँ पे लिख रखी है, 7 जो है वो अदर्स में आती है। पहली कैटेगरी है मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल का मतलब वैवाहिक शादी। जैसे अगर आपने अच्छी एजुकेशन ले ली है, आपने मतलब अच्छी एजुकेशन के साथ में एक जॉब भी ले ली है, तो घर वालों की एक प्रॉब्लम होती है कि क्यों ना लड़के की या लड़की की क्या की जाए, शादी की जाए, तो इसके लिए वो विज्ञापन देंगे तो कहाँ पर देंगे, मैट्रिमोनियल में। अब हमें अगर दुल्हन चाहिए तो हमें क्या लिखेंगे, ब्राइड, और अगर हमें क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ब्राइड ग्रूम, ठीक है। इस तरीके से आपने 2 वर्ड काम में लेने हैं, वॉन्टेड शब्द आपको लगाना है ऊपर। सबसे पहले आप एक बार मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स खींचना है जो हमने खींचा, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ऐसे करके सबसे पहले टाइटल देना, और टाइटल जो है वो 6 में से एक आएगा, 7 में से एक आएगा, तो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, तो कह लेंगे ब्राइड वांटेड या ब्राइड ग्रूम वांटेड, ठीक है। आगे आप देखें, आगे अब आपको ये ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का क्या मैटर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। मान लीजिए घर में लड़का है, पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए दुल्हन चाहिए, क्या चाहिए, दुल्हन, तो क्या लिखेंगे, ब्राइड के वांटेड ब्राइड। और मान लीजिए घर में सुकन्या है, सुकन्या का मतलब अच्छे संस्कार वाली है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, तो यहाँ पे ब्राइड ग्रूम वांटेड लिख देंगे। तो आपने पढ़ा कि मैट्रिमोनियल के कितने टाइप हो गए, 2 हो गए, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिमोनियल को आप इजी वे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा जो टाइप होता है वो एजुकेशनल का होता है। एजुकेशनल की बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड है, मान लीजिए मेरा कोई इंस्टीट्यूट है तो मुझे उसके बारे में, कोचिंग के बारे में मुझे हाईलाइट करना है, तो मुझे उसके बारे में पब्लिसिटी ज्यादा करनी है या उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा कौन से, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के अंदर मैं क्या करूंगा,
कोचिंग के लिए या किसी कोर्स के लिए मैं लोगों को जानकारी दूंगा कि मैं किस प्रकार का कोर्स चला रहा हूँ या किस तरीके से कर रहा हूँ। बिल्कुल एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसकी जो वर्ड लिमिट है क्या? बिल्कुल हाँ, इसकी वर्ड लिमिट है। इसकी वर्ड लिमिट है ओनली 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ओनली 50 वर्ड्स। तो दूसरा हमारा कौन सा हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें हम कोचिंग के बारे में, कोर्स के बारे में एटसेट्रा इनके बारे में, यानी कि एजुकेशन के बारे में, कोई भी कोर्स लॉन्च कर रहे हो या कोई आप समर वेकेशन में कोई आप स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, तो वो आपके कौन से में आ जाएगा, एजुकेशन में आ जाएगा। तो अभी तक आपने दो पढ़ा, मैट्रिमोनियल को नहीं भूलेंगे, शादी के लिए दूल्हा या दुल्हन चाहिए, ठीक है, उस तरीके से। आगे आपने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन में जैसे हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो हमें जॉब चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवासीय। आवासीय का मतलब ये है कि आवास के लिए, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ने के लिए बाहर गया, तो मुझे कमरा चाहिए या नहीं चाहिए? तो वांटेड मुझे चाहिए, खुद को चाहिए तब तो वांटेड। और मान लीजिए मेरा एक फ्लैट है बहुत अच्छा सीकर में, और मैं उसे किराए पे देना चाहता हूँ रिंगस में। जी हाँ, मेरा फ्लैट भी रिंगस में, रिंगस में किराए में देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टूलेट का यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए इनका यूज क्या करना, सबसे पहले मैं टाइटल में ऊपर यहाँ पे इनमें से एक नाम आएगा, कोचिंग सेंटर है, कोर्स है, ब्राइड रूम है या ब्राइड है, टू लेट है, वांटेड है। आपको पहले श्रेणी पता करनी है कौन सी श्रेणी में जाएगा ये, ठीक है। एकोमोडेशन में आपके क्या समझे, आपको अगर कमरा किराए पे देना है तो टू लेट, और खुद चाहिए तो वांटेड, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आगे बात करते हैं सेल और परचेज का। अगला फोर्थ जो टाइप है हमारा, कैटेगरी है, वो सेल और परचेज की है। तो सेल परचेज से आप क्या समझते हैं, किसी चीज को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, बेचने के लिए और खरीदने के लिए। अभी आपको कोई चीज बेचनी है तो उसका नाम लिख दिया कार फॉर सेल, कार फॉर परचेज। जैसे मुझे कार बेचनी है, मेरे पास जो रेड कलर वाली कार है, बिल्कुल सही जो आपने देखी है, वो रेड कलर वाली जो कार है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, कार फॉर सेल। आप मेरी रेड वाली कार खरीदना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कार फॉर परचेज, ठीक है। आप खरीदना चाहते हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हमें इसमें लिख देना है। अब आगे जो फिफ्थ टाइप है वो है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में आप क्या जानते हैं, खोया पाया, बिल्कुल सही, शाबाश। ये मेरा मार्कर कहीं गिर गया है, आपको मिल गया है, एक आदमी खोता है तो दूसरा उसको पाता है, कोई खोएगा कोई पाएगा, बिल्कुल सही है। तो देखिए आप लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी ने पाया तो यहाँ पे फाउंड में जाएगा वो, और किसी ने अगर खोया है तो वो लॉस्ट में जाएगा। अब आपने क्या पाया है उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और आपने क्या खोया उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं सिक्स्थ है हमारा जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नौकरी नहीं तो आगे क्या, बस सोचो क्या नहीं, नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं, जॉब है तो सब कुछ है। अब जॉब में भी दो है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है तो मैं उसमें किसी को नौकरी देना चाहता हूँ, तो इनमें से कौन सा आएगा, तो इसमें दो सिचुएशन बनती है, एक तो सिचुएशन वांटेड और एक सिचुएशन वैकेंट। अब वांटेड का मतलब तो चाहिए और वैकेंट का मतलब खाली। अब मान लीजिए मेरे पास मेरी स्कूल मतलब आर्यन मॉडल स्कूल में एक सीट खाली है इंग्लिश टीचर की, तो वहां पे कौन सा आएगा, सिचुएशन वैकेंट। अब मान लीजिए मुझे पता चला कि यार आर्यन स्कूल में जॉब खाली है और मैं अप्लाई करूंगा, तो मैं सिचुएशन वांटेड में लिखूंगा। वैकेंट वाले तो कंपनी वाले लिखते हैं और वांटेड वाला खुद पर्सन लिखता है। अब आप समझ गए होंगे कि जॉब वैकेंसी में भी दो टाइप हो जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, अब इसके अलावा अदर्स में, तो अदर्स में जैसे मिसिंग है, नेम चेंज है, ये अदर्स में आ जाते हैं। तो सेवंथ जो टाइप है इसका, ठीक है, उसमें आप अदर्स का नाम लिख सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप अच्छे से मेरी बात को। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग ये बताएं मुझे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसका रिप्लाई जरूर करें। क्या क्वेश्चन है कि यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक क्या है, स्टूडेंट है, एंड यू वांट अ रूम विद सेपरेट लेट एंड बाथ। आप एक कमरा चाहते हैं, ठीक है, सेपरेट जिसमें लेट बाथ हो, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरी आएगी। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखें। उम्मीद करता हूं कि एडवर्टीजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है। ये छोटी सी क्लास थी, इंट्रोडक्शन था एडवर्टीजमेंट का। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए क्या
इसमें हम किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको फिर एक बार और थोड़ा सा बता दूं, इसे हमें एक बॉक्स में लिखना है। इसमें पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते हैं, इसमें केवल मेन मेन वर्ड लिखे जाते हैं। ये 50 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर पे खुश होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद जय भारत।